मानसी गंडक घाट नदी किनारे समाज सेवी जनप्रतिनिधि ने 12 सूत्री मांग को लेकर किया प्रदर्शन। मानसी गंडक घाट निकट मुक्तिधाम शब्दागिरी को हो निर्माण को लेकर उठ रही है लगातार मांग। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज, चले बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। देश बचाओ अभियान के तत्वधान में मानसी गंडक घाट पर नदी के किनारे 12 सूत्री मांग संबंधी ज्वलंत सवालों को लेकर प्रदर्शन किया गया, जिसका नेतृत्व अभियान के संस्थापक अध्यक्ष किरण देव यादव ने किया। प्रदर्शन में दर्जनों जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्यगण, प्रबुद्ध जन, बुद्धिजीवी, समाज सेवियों ने भाग लिया। पंच सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष किरण देव यादव ने कहा कि 1.5 दशक से लंबित गंडक घाट पर पुल निर्माण जल्द करने, पहुंच पथ निर्माण कराने, मुक्तिधाम शब्दागिरी का निर्माण कराने, मानसी नगर पंचायत में सब वाहन जल्द उपलब्ध कराने, कचहरी पुल पर जान जोखिम में डालकर हो रहे आवागमन से संबंधित दुर्घटना पर रोक लगाने, खगड़िया गंडक पुल से नदी किनारे किनारे मानसी घाट होते हुए अगवानी घाट तक सड़क निर्माण करने, मानसी रेलवे पश्चिमी ढाला पर और बीज निर्माण जल्द करने, गंडक घाट एवं प्रदूषित नदी जल की सफाई करने, बढ़ रहे नदी जलवायु प्रदूषण पर रोक लगाने, सीढ़ीनुमा घाट बनाने, गंगा स्नान करने में श्रद्धालुओं को बढ़ते अपार भीड़ में मद्देनजर घाट का सौंदर्यकरण एवं सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी मानसी नगर पंचायत के वार्ड पार्षद डेविड कुमार, रंजीत कुमार, सुनील कुमार सिंह, अखिलेश कुमार, दीनानाथ चंद्रवंशी, प्रतिनिधि विवेक कुमार, पूर्व वार्ड पार्षद सहित देश बचाओ अभियान के उपाध्यक्ष अधिवक्ता डॉक्टर कमल किशोर यादव, रंजीत चंद्रवंशी, मुरली चंद्रवंशी, दिलीप शाह, राकेश कुमार आदि दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। किरण देव यादव ने कहा कि पुल निर्माण कार्य 1.5 दशक से लंबित है। मुक्तिधाम शब्दागिरी सब वाहन पहुँच पथ नहीं रहने से काफी परेशानी होती है, ओवर ब्रिज का सख्त जरूरत है। गंडक के दक्षिण भाग टीकापुर सहित अन्य गांव में 50,000 की आबादी जान जोखिम में डालकर कचहरी पुल से आवागमन करने को विवश हैं। कचहरी पुल पर दुर्घटना होने की संभावना बढ़ती रही है। नदी जलवायु प्रदूषण को रोकने की जरूरत है। गंगा स्नान करने के मद्देनजर सीढ़ीनुमा घाट निर्माण, सौंदर्यकरण करने एवं सुरक्षा अति आवश्यक है। जनप्रतिनिधि ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होगी तो जल सत्याग्रह आंदोलन तेज करेंगे। हालांकि इस खबरों को लेकर आपका क्या राय है हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।